मुझे कहा था कि मैं आप अपनी बेटी आपको दूंगी, तो मैंने आपको कहा था मैं भी अपने उम्र के लिए दूंगी। कि अभी तो ऐमन छोटी है ना, तो आपने भी पहले मुझे कहा था, इसलिए मैंने अभी उनसे कहा कि आप अभी रहने दें, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, कल को फिर बच्चों की मर्जी भी तो चलती है ना। जी बिल्कुल। रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी वाज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी इस वक्त मैं बाहर आई हूँ और ये देखें गोभी राया जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब माशाल्लाह से वैसे तो हमने इसमें इसका बीच में से जो घास दूसरा था वो निकाल दिया, ये गोभी राया हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने बनाना है गंदला का साग वो गोभी राय का। तो ये काफ़ी सारे आप लोग देख रहे हैं वहाँ तक हमने बीच बीच में से घास जो काटी है, ये जो गोभी राया था ये हमने बचा के रखा है। तो इसका सालन भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आज मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ सुबह से, तो बच्चे जो है ना स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा आज अम्मी से मिलूँ। तो अम्मी ने कहा है कि बकरों के लिए कुछ घास काट के ले आओ, बकरियाँ जो है ना भूखे खड़ी हैं। तो मैं अभी चलती हूँ बकरियों के लिए घास काटती हूँ। तो ये है अम्मी का घास जहाँ से बकरियों के लिए भी काटती हैं और बड़े जानवर भी हैं उनके। तो सुबह से मैं आई हूँ तो हुसैन जो है ना मेरे साथ ही है, सुबह से खेल रहे हैं मुझे मिल के साथ, मुझे मैंने कुछ सिखाया हुआ है कि क्या है चीज़ें बनाते ही है ना, खेल रहे हैं, कभी कभी खेल लेते हैं, कभी आपस में लड़ भी लेते हैं, लेकिन जो है ना सुबह से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। तो अभी जो है ना घास काटते हैं। वैसे अब मैं भी सोच रही हूँ कि अपने लिए एक बकरी ले लूँ, क्योंकि मेरे पास बकरी है नहीं। मुजम्मिल भी हर रोज़ कहता है कि मुझे बकरी ले कर दें, इंशाल्लाह फिर मैं भी चाहती हूँ कि एक बकरी ले लूँ, फिर उसका घास भी काटा करूँगी। सुबह से मैं आई हूँ और आप ही से मैंने कहा कि आपकी मुझसे मिली है, पता नहीं तक आई नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आ गई तो फिर आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कराऊंगी। तो अभी तो इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे छोटा बेबी जो हमारा उस्मान है, मुझे उसके लिए वो जो है ना बहुत दिल कर रहा था उससे मिलने को, उम्र से भी। तो देखती हूँ अगर वो आ गई तो ठीक है, तो फिर मैं खुद उनके घर चली जाऊँगी, फिर उनसे मिल के फिर घर जाऊँगी। तो अभी घास में ले आई हूँ और ये बकरियाँ खड़ी हुई हैं, इनको घास डालती हैं। वैसे कितना अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को इनको पालना, इनको पानी पिलाना, फिर इनको घास डालना, सारा दिन इनका ख्याल रखना। तो दिन में तकरीबन 3-4 बार इनको घास डालते हैं सुबह को, फिर थोड़ी देर बाद फिर इनको पानी, अगर लस्सी हो साथ में तो लस्सी भी, इन्हें जो है ना बहुत अच्छी लगती है तो लस्सी भी इनको पिलानी चाहिए। तो इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, अभी वो भी आपको दिखाते हैं घास खा रहे हैं। तो ये रहे वो छोटे छोटे बच्चे जो कि मैं आपको बता रही थी घास खा रहे हैं, दूध भी पीते हैं, और जब मशीन पर ये घास रख देते हैं सारा दिन छोटे छोटे है ना, फिर घास खाते रहते हैं, किटो का मशीन साथ में, फिर शाम के लिए ये घास जो है ना काट के रखा हुआ है क्योंकि फिर जानवर को शाम को डालेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अबू के घर में ये जो है ना मशीन लगी हुई है, ये बिजली की है तो इसे हाथ से तो नहीं चलाना पड़ता, तो आसानी से घास का जो ना टोका काट लेते हैं। तो अभी मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं चटनी बनाऊं, दोपहर का टाइम है तो मैंने सोचा चटनी बना लेती हूं। तो अभी ये सब धनिया है, हरी मिर्च है और टमाटर, इन सब की मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि दिन में फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे मूलियाँ हो गई और उसके साथ फिर चटनी बना लो। हम तो ऐसे ही दिन में गांव में तकरीबन ज़्यादातर सर्दियों में ऐसे ही करते हैं। तो सानिया ने मुझसे कहा है कि मुझे चटनी बना के दो, इसलिए मैंने सोचा इसको चटनी बना देती हूँ, है ना। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी ये स्कूल से वापस आई हैं क्योंकि अब जो है ना स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, तकरीबन 2:30 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे ये बेचारी घर आ पहुँचती हैं। तो समाविया और ऐमन का स्कूल इनके स्कूल से थोड़ा दूर है, तो वो भी अब घर पहुंच चुकी होंगी क्योंकि सुबह मैंने यहाँ पे आना था, इसलिए मैंने उनको रोटी बना के साथ ही दे दी थी, उन्होंने स्कूल में ही खा ली होगी। तो असल में मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ ना दिन में, कभी वीडियो भी उतना बनाने, आज वैसे मैं अम्मी से मिलने और आप ही से मिलने आई थी, तो मैंने सब वीडियो भी यहीं पर बना लेती हूँ। खाना वगैरह तो वैसे ही बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च इनको हम धो लेते हैं। वैसे तो अबू जी कह रहे थे कि आप चटनी वगैरह ना बनाओ, अभी मैं कुछ लेकर आता हूँ फिर खाना बनाते हैं। मैंने कहा है कि अभी इतनी भूख नहीं है, थोड़ा बहुत अभी खा लेते हैं फिर शाम को कुछ बना लेंगे। और हरी मिर्च मैंने काट ली है, तो ये टमाटर भी इसमें डालते हैं। वैसे
मैंने आपको बताया कि आप ही को बुलाया था तो आप भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं यहाँ आई नहीं हूँ। एक बार आई थी लेकिन फिर भी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और सुनाए बच्चे सब ठीक हैं? ठीक है ना। क्या हो रहा है आजकल? बस घर का काम हो रहा है ना, वहाँ पर बस सारा दिन काम होता रहता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। मैं भी कितने दिन हो गए यहाँ पर नहीं आई, तो आज ना मिस्त्री भाई नहीं आए तो आज मुझे कितनी चेक करें। तो मैंने आपसे बात करनी है, आप पहले खाना खा ले फिर मैं करूँगी। अच्छा ऐसी क्या बात है? मैं आपसे नाराज़ हो गई। क्यों? बस वो कोई बात है ना, तो खाना खा ले फिर मैं आपको बताती हूँ। चले आप भी खाएंगे साथ खाते हैं। तो खाना मैंने खा लिया है और आप ये भी जो है ना उमर को देखने गई हैं क्योंकि वो यहाँ पे आया था, पता कहीं बाहर चला गया है तो उसको लेने गई हैं। तो मैंने उस्मान को उठाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, अब काफ़ी बड़ा भी हो गया है। माशाल्लाह तो काफ़ी बड़ा हो गया। हाँ। रोता भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हाँ रोता है। उसमें जो उमर है ना वो बिल्कुल नहीं रोता था। ये हाँ। ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा रोता है। और घर का काम कितना हो गया? बस लंटर तक पहुँच गया। लंटर एक माँ मिस्त्री भाई कहते हैं कि बाद फिर लगाएंगे। अभी ना जो लंटर वाला सामान है ना वो भी फर्क नहीं हुआ। चले ठीक है, आप ही का घर भी बन जाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो भाई जानता है आज सामने नजर वो घर पर है, मुझे छोड़कर चले गए। हाँ तो आप इन्हें बहुत ही प्यारा सूट पहना हुआ है। खैर है कहीं तैयारी की जाने की? नहीं यहाँ पर आई हूँ ना आपको मिलने के लिए। कितने दिन हो गए आई ना। माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा है, सूट भी बहुत प्यारा है। तो आज मैंने सोचा कि ना आज मिस्त्री भाई आई नहीं, पैसा सारा दिन काम करते रहते हैं ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिला कपड़े पहनने का। तो आज सही कह रही, काम है फिर कहाँ टाइम मिलता है। तो वो आप बताएं, आप कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ मैं आपसे बात ये करना चाह रही थी कि आपने ना मुझे कहा था कि मैं आप अपनी बेटी आपको दूंगी, तो मैंने आपको कहा था मैं भी अपने उम्र के लिए दूंगी, तो फिर आपने भाभी को क्यों कहा? नहीं मैंने भाभी से नहीं कहा है, वो तो बस उसने ऐसी बात की थी। आपने वीडियो तो देखी होगी? जी वीडियो तो मैंने देखी है। तो मैंने अभी उनसे यही कहा है कि अभी तो ऐमन छोटी है ना जी, तो आपने भी पहले मुझे कहा था, इसलिए मैंने अभी उनसे कहा कि आप अभी रहने लें क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, कल को फिर बच्चों की मर्ज़ी भी तो चलती है ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए उस वीडियो में काफ़ी व्यूअर्स ने भी हमसे यही कहा है कि अभी बच्चों के बारे में ऐसी कोई बात ना करें, बच्चों पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, वो पढ़ते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने भाभी से भी यही कहा है कि अभी आप इस बात को रहने दें, तो जब बड़े होंगे आप भी मेरी बहन है वो भी मेरी भाभी है, तो जैसे होगा फिर कर लेंगे। आप मेरे घर कब आ रही हैं? मैं आज ना इसके अबू को कह रही थी कि ना आप मुझे हम साबरा के घर लेकर चले, लेकिन वो कहता है कि वो जहाँ पर आया था ना सुबह को, वो कहता है कि ना आपकी बहन आई हुई है। तो हाँ मैं सुबह से आई हुई हूँ और मैं भाई से कहा था कि आप आपको भेजें। नहीं आप तो उस्मान बड़ा हो गया ना, अब आप आ जाए। हाँ दो दिन बाद मैं इंशाल्लाह आऊंगी आपके घर। सेलिब्रेशन पर भी मैंने आपको बुलाया था, अभी आपने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकती। उस वक्त टाइम नहीं था, हमारे पास मिस्त्री भाई आए हुए थे। तो आप ही जो है ना मुझसे नाराज़ थी, इसको मैंने मना लिया है, तो अभी जो है ना बातें तो होती रहेंगी। तो आप ही भी आई हैं, अम्मी के घर हैं हम आज दोनों, काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही खुशी हुई, खुशी हुई है। हाँ तो अभी जो है ना अबू जी कुछ खाने के लिए ले आए हैं, तो वो बनाते हैं साथ में, आज खाना बनाएंगे जैसे पहले बनाया करते थे शादी से पहले। तो आज साथ खाना भी बनाएंगे, साथ खाएंगे भी, क्योंकि आप ही भी माशाल्लाह अच्छी कुकिंग कर लेती हैं और आप का चैनल भी माशाल्लाह बहुत ही ऐसे जा रहा है, तो आप लोगों ने इनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। आ चुके हैं, आप ही को लगा दिया है मैंने जो है ना, इसको कहा है कि आप आग जलाएं। तो चिकन को मैंने काट लिया, छोटा किया है माचिस से, ये ले, क्योंकि आज साथ में मैंने कहा है जल्दी खाना बन जाएगा, इसलिए मैं, मेरी भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको आज थोड़ा बुखार है, जुकाम हुआ हुआ है, तो हमने कहा है कि आप आराम करें, हम आज खाना बनाते हैं, खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। हाँ तो ये भी हमारा अपना ही घर है, अम्मी अबू का घर भी अपना ही होता है। तो विक्की ये प्याज काटते हैं, दो चम्मच घी के शामिल करेंगे इसमें। तो आज देखते हैं आपकी रेसिपी कैसे बनाती है। क्यों मैं पहले नहीं बनाती है, आज भी नहीं बना रही हूँ। बना तो लेती हैं, ये ले इसमें डालें, इनको ब्राउन करें जब तक मैं और मसाले बना लूँ, घी गर्म हो जाए ना फिर इसमें शामिल करते हैं। तो तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो आज जो ना हम रेसिपी आपके मेरे साथ में बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने मुकम्मल देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। वैसे भी हम जो रेसिपी बनाते हैं आप लोगों से शेयर करते हैं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं हमारा। घी गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डाल देते हैं।
वैसे आपकी जो है ना कुकिंग बहुत अच्छी करती है, और आप ही का जो सालाना होता था ना पहले भी यहाँ हमारे घर वालों को तकरीबन सबको बहुत पसंद आता था, तो आज भी मैं बैठी हुई हूँ देखती के साथ। तो ये लंबी लंबी हरी मिर्च, ऐसे हरी मिर्च हमने कम नहीं डालनी क्योंकि कम हो तो फिर भाभी को सालन जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से जिस तरह मैं मेहनत करती हूँ आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। पाक विलेज वर्क के नाम से इनका चैनल है, तो आप लोग जरूर विजिट करना है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। तो अभी प्याज गर्म हो जाए जब तक मैं ये चिकन धो के ले आती हूँ। तो अभी जो है ना लाइट भी चली गई है, तो यहाँ से मैं आई हूँ चिकन को धोने। तो ये देखें टमाटर और प्याज और सब मिर्च को छिलका लग चुका है, तो अब इसमें कुछ मसाले भी शामिल करते हैं। अब इसमें लाल मिर्च 2 चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच सूख धनिया और आधा चम्मच मसाले का, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप भी रेसिपी बिल्कुल वैसी बनाती जैसे मैं बनाती हूँ, आज मैं देख रही हूँ कि आप कैसे बना रही है। वैसे चावल वगैरह तो बना लेते हैं लेकिन रेसिपी कभी नहीं साथ बनाई क्योंकि कभी हम साथ इधर इकट्ठे हुए नहीं है। कभी पहले आप ही आ जाती है, कभी दिन के वक्त मिल लेते हैं। आज पहला दिन है कि शाम में एक साथ मिले हैं, तो मैंने आप ही को जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि आप रुक जाएँ और खाना वगैरह खा के फिर आप घर चले जाए, घर मैं पीछे घर चले जाऊँ। आधा किलो चिकन लिया है, आलू का दिल ही नहीं है, वैसे ही तो हर सब्जी में आलू डालते हैं हम, आज ऐसे चिकन बना लेते हैं। चना सालन हमने बना लिया, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा सालन बना है। तो अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, तो अभी आप भी जा रही हुई है वो भी खाएंगे, सब बैठ के खाएंगे। तो आज की आप लोग कैसी लगी होगी, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।